बेटा मैं... मैंने कहा था ना पापा कि वो चुड़ैल है, अब क्या होगा? नहीं बेटे, आ जाओ। दहशत दोबारा, एक नई दास्तां, इसके साथ चलने को तैयार हैं आप? दहशत कभी भी और कहीं भी घट सकती है, लेकिन जो डर और दहशत जिस रात के साथ घटती है, वो रात आत्माओं के लिए खास बन जाती है। आज की कहानी चंद्र ग्रहण की एक ऐसी डरावनी रात की कहानी है। साइंटिस्ट भले ही चंद्र ग्रहण को साइंटिफिक माने, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं आत्माओं की दुनिया पर, वो चंद्र ग्रहण की रात को शैतानी दुनिया से प्रभावित मानते हैं। 1994 जब पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण को लेकर हलचल मची हुई थी, वहीं मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में दहशत की बड़ी ही विचित्र कहानी जन्म लेने वाली थी। आकृति चलो आ करो। हाँ ये लो। नहीं पापा अभी और नहीं, पहले आप एक स्टोरी सुनाइए फिर बाकी का फिनिश करूंगी। गलत बात, पहले आप खाना फिनिश करोगे उसके बाद मैं स्टोरी सुनाऊंगा, और वैसे भी कुछ देर में चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। तुम्हें याद है ना तुम्हारी मम्मी क्या बोलती थी, चंद्र ग्रहण के टाइम पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लो आ करो आ करो आ करो। नहीं पापा। तुम्हें वो चुड़ैल वाली कहानी याद है ना जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें सुनाया करती थी? एक चुड़ैल आती थी और जो बच्चे खाना नहीं खाते थे, उन बच्चों को वो चुड़ैल उठाकर ले जाया करती थी। दिन दोपहरिया रात अंधेरिया, कोई बच्चा है क्या? क्या बाबा अभी ना। चलो 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 मेरा प्यारा बच्चा, खाना खाओ, आ करो आ करो आ करो आ करो। वेरी गुड, लव यू, वेरी नाइस। पापा भूत होते हैं क्या? पापा बाहर कौन है? बेटे बाहर दान मांगने वाले आए हैं। ऐसा बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे अगर दान दिया जाए ना तो ये ग्रहण जल्दी छूट जाता है। पापा दान? बेटे दान का मतलब होता है जैसे चावल या रुपया पैसा, यही सब कुछ मांगने आए होंगे। चलो तुम खाना खाओ, आ करो आ करो आ करो, फिनिश करो। वेरी गुड मेरा प्यारा बच्चा। ये 1994 की बात है, मेरी माँ की डेथ के बाद मैं अपनी नानी के साथ रांची में रहा करती थी। छुट्टियों में पापा से मिलने के लिए रायपुर गई थी, जो कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। पापा पापा वो वाली स्टोरी प्लीज सुनाइए ना, जो आपको कल हॉस्पिटल में वो आदमी बता रहा था, वो चुड़ैल वाली स्टोरी जो हमेशा मुनार एक्लिप्स के टाइम आती थी। वो चुड़ैल वाली स्टोरी मुनार एक्लिप्स की नहीं थी, ल्यूनर एक्लिप्स की थी वो स्टोरी। बेटे ये सब कहीं सुनी बातें हैं यहाँ की, लेकिन इस जगह के लोग ये मानते हैं कि बहुत टाइम पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब कंप्लीट ल्यूनर एक्लिप्स, पढ़ा ना आपने स्कूल में, तो ऐसी रातों में चुड़ैल इंसान का रूप लेकर यहाँ के लोगों के घरों में आया करती थी, और जैसे ही ये ग्रहण खत्म होता था वो उनके घरों से अचानक गायब हो जाती थी।
बेटा यहाँ के लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसे ग्रहण की रात में कोई किसी के घर नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी किसी के लिए अपना दरवाजा ही नहीं खोलता था उस चुड़ैल के डर से। लोग बोलते हैं कि वो चुड़ैल 3 बार लोगों का दरवाजा खटखटाती थी, और अगर किसी ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया तो वो चुड़ैल उस घर के बच्चों को उठाकर ले जाती थी। पर यहाँ के लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो चुड़ैल झाड़ू और सरसों के बीच से बहुत डरती है। सच में? हाँ। कुछ नहीं बेटा, बेटे घबराओ मत, मैं देखता हूँ। आप मत जाइए, वो चुड़ैल होगी। मेरा प्यारा बच्चू आकृति, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी डरावनी कहानियां नहीं सुनाता हूँ। अच्छा, इतनी रात को कोई हमारा दरवाजा नॉक कर रहा है, हो सकता है कोई पेशेंट आया हो, है ना? नहीं पापा। अरे आओ, पापा है ना साथ में। नहीं पापा। अरे खुद देखते हैं, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अरे आओ, प्लीज मत जाइए। अरे आ जाओ, कोई चुड़ैल नहीं है बाहर। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना। अरे जरूर कोई पेशेंट होगा, आओ देखते हैं, चलो। पापा ये तो 3rd knock है, आप प्लीज दरवाजा मत खोलिए, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा आपके पापा एक डॉक्टर है ना, और आधी रात को भी पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। चलो बाहर चल के देखते हैं, आओ। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, डरो मत। एक मिनट, हाँ हाँ छोड़ो, हाँ। जी, किसी पेशेंट के लिए आई हैं क्या? डॉक्टर साहब, मैं पास के मोहल्ले से आई हूँ, मेरे बाबा को शाम से बुखार है, अगर कोई दवाई मिल जाए तो। ठीक है, अंदर आइए। नाम क्या है तुम्हारा? छवि डॉक्टर साहब। ठीक है छवि, आप यहीं रुकिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। बेटा आप यहीं रुको, पापा यूं गए और यूं आए, हाँ मैं अभी आता बेटा। वो बाथरूम उस तरफ, मैं जा सकती हूँ क्या?
आकृति कहाँ गई वो? उसे बाथरूम जाना था। ओह, लग रही थी वो चुड़ैल के जैसी लग रही थी। अब तो सारा डर निकल गया ना मेरे बच्चू का। चलो अब जाके सो जाओ। नहीं पापा, जब तक लूनार एक्लिप्स खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं सोऊंगी। पापा के साथ बैठना। ठीक है। घंटा बीत गया है, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आकृति जाओ जाके देखो जरा। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा प्यारा बच्चा, एक बात बताओ, अगर कभी पापा को आधी रात को किसी पेशेंट को देखने जाना होगा तब क्या करोगी? जाओ जाके अंदर देख के आओ। शाबाश। आकृति क्या हुआ बेटा? कहाँ है वो? अरे क्या देखा तुमने? बोलो क्या देखा? आकृति डोंट वरी, पापा अभी देख के आते हैं। हाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ रुको। मैंने कहा था ना पापा कि वो चुड़ैल है, अब क्या होगा? नहीं बेटे, कि वो गई कहाँ? हम लोग तो हॉल में बैठे हुए थे। पापा वो कहीं पे गई नहीं है, वो यही कहीं पे, अब वो हमें खा जाएगी ना पापा। नहीं बेटा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है,
जरूर यहाँ किसी मतलब से आई है, यहीं कहीं जाके छुपी होगी वो। बेटा मैं अंदर दवाई लेने के लिए गया था, है ना, मेरे बाहर आने तक इससे पहले कि तुम मुझसे देख पाती वो जरूर कहीं जाके छुप गई होगी। बेटे तुम हॉल में जाके रुको, मैं उसे ढूंढता हूँ। नहीं पापा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है, आ जाओ। सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है कि एक औरत अचानक उस घर के अंदर से गायब हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिर वो औरत कौन थी और चंद्र ग्रहण की रात वो औरत वहां क्यों आई थी। आकृति के मन की शंका धीरे धीरे दहशत में बदल रही थी। उसके पिता की चुड़ैल वाली कहानी सच हो रही थी, लेकिन मुकुल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो सच क्या था? नहीं पापा, कोई बात नहीं बेटे, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आओ देखते हैं। रुको, मैं किचन में देखता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुको, पापा इधर ही है। मैं सामने हूँ बेटा। बेटे उधर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ।
बेटा, बेटा आप यहीं रुको, मैं अंदर देखता हूँ। पर पापा, डर मत, कुछ नहीं होगा। डरो मत, पापा हैं आपके साथ। यहां छुप के बैठी है, दरवाजा अंदर से बंद है। लगता है दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा। कॉरिडोर के उस तरफ से खिड़की तोड़ के मुझे अंदर जाना होगा। बेटा आप एक काम करो, आप यहीं रुको। हाँ, पापा खिड़की तोड़ के अंदर जाएंगे और एक बार वो लड़की मिल जाए मैं दरवाजा खोल दूंगा। हाँ पर पापा। बेटा खिड़की तोड़ते वक्त वो कांच आपको लग सकता है। हाँ, अगर आपको लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा। यहीं पर रुको, डरना मत। पापा, पापा, पापा,
पापा। बेटा बेटा डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। प्लीज आप मेरे घर पे आ जाइए। चुड़ैल ने मेरे पापा को गायब कर दिया है। क्या? कौन बोल रही है? कहाँ से बोल रही है? मैं डॉक्टर साहब की बेटी बोल रही हूँ। वो जो यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना, डॉक्टर मुकुल, प्लीज आप मेरे घर पे आ जाइए। रात का सन्नाटा, चुड़ैल की दहशत, चंद्रग्रहण का समय और अकेली सहमी हुई आकृति। कितना डरावना था ये सब कुछ। लेकिन अपने पिता को खो देने के बाद आकृति ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दहशत की दास्तां का आखिरी पन्ना खुलना भी बाकी था। कोई है? कोई है घर में? मैं इंस्पेक्टर चौहान। किसने फोन किया था मुझे? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है वहां? कौन है? पुलिस। डरो नहीं बेटा, मैं रायपुर पुलिस स्टेशन से आया हूं। तुमने मुझे फोन किया था? बनकर आई, फिर वॉशरूम गई और गायब हो गई। मैं और
गायब हो गए। बेटा ये बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। और दिखो। यही तो चुड़ैल है, यही आके गायब हो गई थी, पर ये यहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी मौत कैसे हुई, ना कोई निशानी है ना कोई जख्म। बट अगर में कोई फोन है ना, मुझे कुछ और लोगों को बुलाने होंगे। एक फोन ऊपर है, हाँ एक फोन नीचे भी है हॉल हॉल में। चलो बेटा आराम से आ जा। बेटा फोन कहाँ है यहाँ? वो कौन है वहाँ? पापा आ गए, पापा वापस आ गए, पापा वापस आ गए, पापा वापस आ गए, पापा 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 पापा। अंकल अंकल वो ये दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, तो पापा पीछे की खिड़की से गए थे। अच्छा कौन है आप? मेरे पापा आए हैं, मुझे प्लीज जाने दीजिए। आप कौन हैं और मेरे घर में कैसे? क्यों मारा उसे? मेरे पापा ने किसी का खून नहीं किया, वो चुड़ैल थी। क्यों मारा उसे? मेरे पापा ने किसी का खून नहीं किया, वो चुड़ैल थी। अब सारी कहानी समझ में आ रही है। पहले उस लड़की का खून किया, फिर उसे गायब कर दिया, और फिर अपनी बेटी को धोखा देने के लिए उसे ढूंढने का झूठा नाटक किया और फिर खुद गायब हो गए, ताकि बड़ी आसानी से उस लाश को अपने घर से बाहर गायब कर सको। इससे पहले कि तुम उसे बाथरूम से बाहर निकाल पाते, तुम्हारी बेटी ने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, उस लाश को तुम्हें बाथरूम में छोड़कर भागना पड़ा मेरे आने तक। क्यों मारा उस लड़की को? मैंने किसी लड़की को नहीं मारा, वो सब झूठ था। वो नहीं चाहती कि तुम लोग यहां से बाहर जाओ, इसीलिए उसने ये भ्रम रचा है। पर वो है कौन? मैंने कहा था ना पापा झूठ नहीं बोल रहे। पापा आप कहाँ चले गए थे? भाग जा बेटी, चल ही जा। बस बहुत हो गया है नाटक। कहानी तो अच्छी रची है तुमने, पर बस मैं कह रहा हूं यहां से भाग जाओ। वो यहीं कहीं है। आप चलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं आ सकता बेटा। क्यों पापा? We'll be right back.
भाग बेटा, भाग बेटा, जल्दी उठने का, भाग बेटा, भाग। मेरे पापा दुनिया से जा चुके थे, पर फिर भी उनकी आत्मा मुझे बचाने के लिए वहीं पर रुकी हुई थी। और फिर कुछ पल के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखाई दिए। इंस्पेक्टर चौहान को भी मेरी कही गई चुड़ैल वाली बातों पर विश्वास हो गया था, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे वहां से बाहर निकाल सके। भाग बेटा, जल्दी भाग बेटा, जल्दी भाग। चुड़ैल झाड़ू और सरसों के बीच से बहुत डरती है। पापा ने कहा था कि चुड़ैल झाड़ू और सरसों के बीच से डरती है। चल बेटा, अब जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। दरवाजे से तो हम जा नहीं सकते। छत से जा सकते हैं क्या? हाँ? उठ बेटा। विक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, वो भाग बेटा।
आकृति बच तो गई, लेकिन सालों बाद भी वो ये सब कुछ भूल नहीं पाई है। आकृति ने बताया कि इंस्पेक्टर ने उसको उसकी नानी के पास पहुंचा दिया था। उसका मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात जब भी कोई चुड़ैल को बुलाएगा, चुड़ैल आ जाएगी। कहते हैं चंद्र ग्रहण की रात में शैतानी शक्तियों का वास होता है, पर ये बाकी लोगों के लिए कितना सच है ये कहना मुश्किल है। मानो तो ये डर है, ना मानो तो एक वहम। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। अगली कड़ी में फिर होगा दहशत का एक अजीब और गरीब खेल। तब तक देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत